तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी जब नई गाड़ी आती है, रिसीव होती है, तो उसकी PDI कैसे होती है। कुछ इस तरह से ये PDI होती है, आप देख सकते हैं। तो उस पर गुड रहता है, जो उसमें नहीं होता उस पर NG आ जाता है, नॉट ए गुड। तो फिलहाल अब इसमें क्या चल रहा है, इसमें चेकिंग चल रही है, चेकिंग चल रही है, गाड़ी सर्च कर रही है पूरी। इसके अभी क्या लगाया हमने इसमें? BCI लगाया है। ठीक है, ये चेक करने के लिए होता है और सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू ही है ना? हाँ, पूरा ये डायग्नोस करेगा और अपने जितने भी इसमें पैरामीटर होंगे उसके हिसाब से गुड नॉट गुड सब इसमें दिखा देगा। और जो गुड होंगे वो गुड होंगे, जो नॉट गुड होंगे, जो मतलब वर्क नहीं कर रहे होंगे, नॉट गुड दिखा देगा। तो कुछ इस तरह से PDI होती है दोस्तों। ये बहुत एक्सक्लूसिव मटेरियल है, जल्दी देखने को मिलता नहीं है। ये देखो, ये लगा रखा है BCI। ठीक है, BCI। और यहाँ से अब ये पूरा सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर रहा है। सारे वायरलेसली कनेक्ट होते हैं, तार से कनेक्ट हो रहा है? नहीं, वायरलेस वायरलेस कनेक्शन है, इसके थ्रू वायरलेसली कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, फाइल डायग्नोस के लिए डाउनलोड हो रही है। चलिए देखते हैं नई गाड़ी की PDI कुछ इस तरह से होती है। आप ये अच्छा लग रहा है पहली बार देख के, किस टाइप से PDI होगी? इम्प्रॉपर बैटरी वोल्टेज रीडिंग चालू करना पड़ेगा ना, बैटरी डाउन है कार की। नहीं नहीं, गाड़ी तो ऑन है, बैटरी की ऑन है ना, इसीलिए मतलब लिखा रहा है। इसमें RO नंबर डलेगा इसका। RO नंबर क्या होता है? मतलब गाड़ी नंबर, ये मतलब इसका RO खुलता है गाड़ी का। अच्छा, गाड़ी का कंपनी में रिसीव करते हैं ना। अच्छा, रिसीविंग ऑर्डर नंबर, रिसीविंग ऑर्डर होगा। ठीक है, तो आप जिनको भी ये लगता है कि भैया गाड़ी आई, हमने PDI नहीं करी, आपसे बड़े दिमाग वाले लोग PDI करते हैं। और मैंने लिटरली गाड़ी ली थी, मैंने PDI करी नहीं थी, मैं सीधा गाड़ी डिलीवरी पे आया था और आज तक 2.5 साल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो लोग जो लोग डाउट करते हैं उनका ये सिचुएशन क्लियर हो जानी चाहिए। देखो, जिसमें ये पूरे फंक्शन, ठीक है, जिसमें सारे फंक्शन दिखा रहे हैं। सीट वेंटिलेशन नहीं है तो नॉट गुड में डाल दिया। ओके, तो यहाँ देख लीजिए, जो आप टिक होते जा रहे हैं, गुड 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 पर टिक करते जाएंगे, तो वो टिक अगर ले रहा है तो ग्रीन कलर का आ जाएगा। अगर कुछ दिक्कत होगी, देखो ये अब सनरूफ चेक कर रहे हैं, सनरूफ सही से फंक्शन कर रही है, बढ़िया। अब यहाँ पे सनरूफ में गुड आ जाएगा। लाइट इंस्पेक्शन, ये लाइट का इंस्पेक्शन हमने चेक कर लिया, हमने भी चेक करी, लाइट कर रही है काम। ये नया फंक्शन आ गया इसके अंदर, एड ब्लू। हाँ, ये डीजल वेरिएंट है, डीजल वेरिएंट में आएगा, जैसे ये है ना पेट्रोल वेरिएंट, पेट्रोल वेरिएंट है ना, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, नॉट गुड में आएगा। एयर प्यूरिफायर इसमें है नहीं तो नॉट गुड आएगा, नॉट गुड नॉट एप्लीकेबल है, नॉट गुड नहीं, नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि है नहीं, जो भी हो है नहीं, नॉट गुड मतलब। तो इस टाइप से पूरी PDI हो जाएगी और इसके बाद केवल एक रोड टेस्ट आ जाएगा। तो ये हमारे भैया, क्या नाम भैया आपका? अजय शर्मा जी है। ये आपके किया ग्वालियर में, क्या आप किस पोस्ट में भैया? PDI इंचार्ज प्लस यार्ड इंचार्ज, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। क्वेरी करना चाहें तो आप देख लीजिए, फिलहाल हम किया रॉयल किया ग्वालियर में, आप चाहें तो बिल्कुल नंबर दे दूंगा, चेकआउट कर सकते हैं। सारी गाड़ियों की PDI बढ़िया से होती है, इसकी रोड टेस्ट होगी और गाड़ी क्लियर हो जाएगी।